नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ में नेहा सिंह। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तब रण क्षेत्र में तब्दील हो गया जब भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से झड़प की नौबत आ गई। हालांकि कुछ देर के बाद मामला शांत हो गया। दरअसल कांग्रेस और भाजपा के नेता दिल्ली से राशि रविवार को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आने वाले थे। दोनों ही नेताओं को रिसीव करने के लिए भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता एयरपोर्ट के बाहर झंडा लेकर इंतजार कर रहे थे। भाजपा के सांसद जयंत सिन्हा और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले थे। इसी बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और मोदी योगी के नारे लगाने लगे। वहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी चौकीदार चोर है के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद दोनों के बीच झड़प की नौबत आ गई। नारा लगा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि राम मंदिर का दरवाजा कांग्रेस नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुलवाया था। हमारे दिल में राम बसते हैं, लेकिन भाजपा वाले राम के नाम का सिर्फ ढोंग करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, जो कि कांग्रेस समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलती है।